तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा। दोस्तों क्या जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम नहीं हुए थे क्या अब उनकी परीक्षाएँ नहीं होंगी? जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम नहीं होंगे क्या वो सभी बिना परीक्षा के पास हो जाएंगे? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ अफवाहें उठ रही हैं और कुछ चैनल वाले भी अफवाहें बना के स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी अफवाहें उठ रही हैं और क्या सच है और क्या गलत है। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे चैनल से आप सभी जुड़े हैं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी को टाइम टू टाइम आप सभी को अपडेट करना और सही जानकारी देना, ठीक है? तो दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछ रहे होंगे और ये अफवाहें उठ रही होंगी क्या आप परीक्षाएं नहीं होंगी। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि परीक्षाएं नहीं होंगी? ये पहली बात तो ये गलत है, ठीक है? जिन भी स्टूडेंट या जो भी चैनल वाले ये प्रोवाइड कर रहे हैं टोटली गलत बता रहे हैं। दोस्तों माना कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, पूरे भारत पूरे देश के ऊपर, तो उसके लिए ये सब चीज़ स्टॉप करना यानी कि पोस्टपोन करना, एग्ज़ाम को स्थगित करना, कैंसिल करना ज़रूरी हो गया था, ठीक है? तो इसलिए इन एग्ज़ाम को, जो भी आप लोगों के बीएससी बीकॉम के एग्ज़ाम चल रहे थे, इनको आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन ये किसी की वो नहीं बनता कि गलत अफवाहें बना के स्टूडेंट को कन्फ्यूज करें। तो परीक्षाएँ, मैं आपको बता दूँ, परीक्षाएँ सभी की होंगी, लेट होंगी लेकिन सभी की परीक्षाएँ होंगी, ये 100% श्योर है। अभी तक आप लोगों को मैंने बताया था कुछ डेट में के लिए मर्ज हुए थे, कुछ टाइम के लिए आप लोगों के एग्ज़ाम, उसके बाद डेट बढ़ाई गई, तो कुछ फिर से कुछ आप लोगों के लिए अपडेट आए हैं कि फिर से आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो डेट कुछ दिन आगे बढ़ सकती है। फिलहाल अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दूँगा। तो ये पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सभी की परीक्षाएँ होंगी, ठीक है, परीक्षाएँ सभी की होंगी। अब हम नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं कि जो आप लोग नेक्स्ट बोल रहे थे कि क्या सभी बिना परीक्षा के पास हो जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग खुद ही माइंड से सोचिए कि बिना परीक्षा के कोई पास हो जाएगा, तो ये भी अफवाह जो उड़ रही है गलत है, ठीक है? सभी की परीक्षाएं होंगी और सब बिना परीक्षा के कोई पास नहीं होगा। बिना परीक्षा के कोई पास नहीं होगा तो आप सभी को परीक्षा देना पड़ेगा, और जब आप लोग परीक्षा देंगे तभी आप उसी के अकॉर्डिंग पास और फेल का डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है? तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाहें हैं। प्लीज़ आप कॉन्सेंट्रेट होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आप लोगों को टाइम मिला है तो इसके लिए प्रिपरेशन करिए, ठीक है? बस यही जानकारी आप तक प्रोवाइड करनी थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक, यारों तक शेयर करिए, जिससे वो भी इस कन्फ्यूजन से या इस अफवाह से, इस कन्फ्यूजन से छुटकारा पा सके और कॉन्सेंट्रेट होकर अपने एग्जाम की तैयारी करें, जो भी बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट हैं जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जो भी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम है तो प्लीज़ वो हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी मैंने वीडियो अपलोड कर दी, हिंदी इंग्लिश जो भी है, मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिए, तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, मैं उसको भी आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।